जी पीछे रहेगा। क्यूटीज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मीनाक्षी गुप्ता। मैं जा रही हूँ आज अपनी मम्मी के घर में, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। एंड वन वीक तक मेरी क्राफ्टिंग की वीडियोस नहीं आएंगी। आई होप मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए मैं मिनी ब्लॉग्स बना के डाल सकूं। और मैं अपनी मम्मी के घर क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको एंड बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। चलो ब्लॉग को करते स्टार्ट। मैं रहती हूँ पंजाब में और मेरी मम्मी का घर है मथुरा। मैं मॉर्निंग में अपने घर से 8:30 पे निकली थी। सबसे पहले मैंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के पैर छुए और अक्षित को भी बोला कि तू भी अपनी दादी या दादू के पैर छू। वो नाटक कर रहा था कि मुझे नहीं छूने हैं, उसको जल्दी पड़ी हुई थी अपने नानी के घर जाने। मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के भी पैर छुए और अक्षित को उन्होंने बहुत सारा प्यार किया। फिर हम लोग अपने घर से निकल गए थे। अक्षत ने यहाँ पे अपनी बुआ को बाय कर रहा था, दादी को नहीं कर रहा था। दादी गुस्सा कर रही थी कि मुझे प्यार कर दे, बट इसने दादी को प्यार नहीं किया। बोलता है कि नहीं, मैं तो जो नानी के घर जाना है, मुझे नानी के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और हम लोग निकल चुके थे यहाँ से मथुरा के लिए। जब भी कभी मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो वो हमेशा पता नहीं क्यों गाड़ी से जाना प्रेफर करते हैं। मैं उनको बोल चुकी हूँ ट्रेन से चलते हैं, बहुत लंबा रूट है हमारा मथुरा का पंजाब से, बट वो मानते ही नहीं है। हमेशा वो गाड़ी से जाना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे पंजाब से मथुरा पहुँचने में 10 से 12 घंटे लग जाते। इस बारी मैं और अक्षत बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें इस बारी फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो हमारे जो गाड़ी का फास्टैग कार्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारे ना गाड़ी में पंचर हो गया, उसमें भी 1-1.5 घंटा खराब हो गया। और हमें खाना भी नसीब नहीं हुआ था, बहुत अजीब सा दिन था। मतलब कि बहुत लेट हो गई थी मैं घर पहुंचने। मुझे मेरी मम्मी के घर जाने के 2 रीजन थे, एक रीजन मैं अभी शेयर करूंगी क्लास में। सबसे पहला रीजन ये है कि मेरी चाची की और चाचा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, जो उन्होंने घर पर ही सेलिब्रेट की थी। तो मैं उनके घर पर आई थी, यहाँ पर मैंने उनके घर में एंट्री कर ली है। मैं काफी लेट हो गई थी, उनकी जयमाला रिंग सेरेमनी केक वगैरह सब कट चुका था। मैं मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, वो वाली क्लिप्स भी मेरे पास है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी चाची जिनसे मैंने मिला, बहुत सारा प्यार उन्होंने मुझे दिया। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मैं पंजाब से फाइनली यहाँ पर आ गई। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो भी मुझे देखकर। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड अपनी फैमिली से मिलने के लिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारा डांस की, मस्ती की। जो बाकी है बेकार जीने के चार दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जगाए तुम्हारी फिर ना आए। बहुत सारा एंजॉय किया सबके साथ, मैंने डांस किया अपनी दीदी के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ, सबके साथ फुल एंजॉय किया। फिर उसके बाद फोटोज कराई, बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, बहुत एंजॉय किया। सेकंड रीजन में मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले आप ये वीडियो देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा। किन्नर आई थी मेरे घर पे भैया भाभी को बधाई देने के लिए, क्योंकि मेरे भैया भाभी के बेबी बॉय हुआ है। ये मेरा सेकंड रीजन है अपने घर पे आने के। नेक्स्ट डे बाबू का छठी पूजन था। यहाँ पे सबसे पहले मुझे महावर लगाए। जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं ना, उनको पता है कि छठी क्या होता है। बच्चे के 6 दिन होने के बाद यहाँ पे छठी पूजी जाती है। सबसे पहले मैं बड़ी हुआ थी, मुझे महावर लगाया, उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर को, फिर मम्मी को लगा, भाभी को लगा, उसके बाद मेरी चाची ताई सबने यहाँ पे महावर लगवाया अपने अपने पैरों में। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली मैं बुआ बन गई। जो जो बुआ बन चुके हैं ना, उन लोगों को पता होता है कि बुआ बनने की खुशी कितनी ज्यादा अच्छी होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बुआ बनकर। फिर शाम को क्या हुआ था, छठी वाले दिन बोलते हैं कि बुआ अपने बेबी को नए कपड़े पहनाती, तो यहाँ पे मैंने उसको नए कपड़े पहनाए। मैंने रेड रेड कलर के कपड़े पहनाए, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था मेरा बेबी। पता है बाबू ने और मैंने दोनों ने सेम सेम कलर डाला हुआ था। फिर उसके बाद हमारे मोहल्ले की लेडीज आई, जिन्होंने बहुत सारी बधाई गीत गाए थे, बह वाले और जच्चा बच्चा पता नहीं क्या क्या गाते, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। बहुत सारे गीत गाए इन सबों ने यहाँ पे आके। और फिर रात को काजल लगाने वाली रस्म होती है जो बुआ को करनी होती है, बड़ी बुआ को। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए काजल पाला बाबू के लिए, और फिर उसके काजल लगाए आंखों में। बाबू बहुत रोया काजल लगाने के बाद। इस तरीके से था मेरे घर पे आने के ये 2 रीजन थे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।